अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कोई रेसिपी नहीं है क्योंकि मैंने ये दराज़ से प्रोडक्ट मंगाई हुई थी लैश लिफ्ट की, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू भी डाल दूं। यहाँ पे मैंने इस पैकेट को खोला हुआ है और इस पैकेट के पीछे जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने इस तरह इसको किट को किस तरह से यूज़ करना है। और इस किट के अंदर आपको ये जो बड़ी बॉटल दिख रही है साइड में, वो ग्लू की है जो हम पहले यूज़ करेंगे लिफ्ट पैड को चिपकाने के लिए। और इसमें दिए गए हैं लिफ्ट पैड्स, क्लीनिंग टूल दिए गए हैं, और यहाँ पे बॉटल्स आपको दिख रही होंगी जिन पे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ये इनके स्टेप के हिसाब से हैं कि पहले कौन सी यूज़ करनी है इन सेकंड थर्ड पे। एंड और इनमें से जो फर्स्ट वाली है वो पर्मिंग के लिए है, जो सेकंड वाली है वो फिक्सेशन के लिए है, जो थर्ड है वो इनका न्यूट्रिशन ऑयल है, और जो फोर्थ है वो क्लीनिंग के लिए है। और इनमें जो है वह मुझे लिफ्ट पैड्स की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें साइज़ अवेलेबल है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ताकि आपकी आँखों पे जो फिक्स हो आप वो यूज़ कर सकें। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्लू लगा लिया था अपनी आँखों पे, तो अब मैं जो हूँ वो लिफ्ट पैड इस पर लगा रही हूँ, चिपका रही हूँ। और इनका ग्लू यूज़ करने की ट्रिक ये है कि आप ग्लू को अप्लाई करके 30 सेकेंड्स के लिए या एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए इसको छोड़ दें, और उसके बाद जो है वो आप लिफ्ट पैड लगाएं इस पर। लिफ्ट पैड लगाने के बाद अब मैं जो हूँ वो लिफ्ट पैड के ऊपर जो है ग्लू लगा रही हूँ ताकि मैं इस पर आईलैशेस अपनी चिपका सकूँ। और ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम लगा था अपनी आईलैशेस को चिपकाने में, एटलीस्ट मुझे 1 घंटा तो लगा ही होगा आईलैशेस को चिपकाने में। खैर, लेकिन चिपक तो गई थी। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट बॉटल पर्मिंग की, और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको 8 से 12 मिनट के लिए रख दिया था। और 8 से 12 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें सेकेंड सॉल्यूशन लगा रही हूँ फिक्सेशन वाला, और इसको भी इतनी ही देर 8 से 12 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिक्सेशन वाला भी लगा चुकी हूँ, तो नंबर थर्ड पे जो था वो न्यूट्रिशन ऑयल था लगाना, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया। मैंने जो है वो इनको नंबर 4 वाला क्लींजिंग ऑयल लेकर पहले मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, और उसके बाद जो है वो मैं अब यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ न्यूट्रिशन ऑयल। और ये वीडियो मैं बहुत देर से डाल रही हूँ, मैंने ये दिसंबर में किया था और अब जो है वो जनवरी का भी एंड चल रहा है, तो इसमें पीछे लिखा हुआ था कि इससे जो है वो आपकी लैशेस कर्ल जो है वो रहेंगी तकरीबन 3 महीने तक। तो अब मुझे 2 महीने तो हो चुके हैं तो ये कर्ल ही है, अब बाकी 1 महीना देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर फोटोज़ ली हुई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए अगर सही से नज़र नहीं आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।